वीडियो में फूट फूट कर रोहिं राखी सावंत, वजह पति रितेश नहीं बल्कि ये तीन स्टार्स। एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान ईसाई समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अभिनेत्री रवीना टंडन, कॉमेडियन भारती सिंह और निर्माता निर्देशक फराह खान के खिलाफ पंजाब में शिकायत दर्ज हुई थी। हालांकि बवाल बढ़ता देख निर्देशक कोरियोग्राफर फराह खान ने माफी मांग ली थी। अब इस मामले में राखी सावंत का बयान आया है। राखी सावंत ने रोते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वह कहती दिख रही है कि हालेलुया गॉड, दोस्तों आज मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे यीशु ने यही कहा है कि लोगों को क्षमा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका मजाक उड़ाया जाए। राखी रोते हुए आगे कहती है, हालेलुया आपत्तिजनक शब्द नहीं है। राखी ने एक साथ कई वीडियोज पोस्ट किए हैं। दरअसल फ्लिपकार्ट के एक शो बैकबेंचर्स पर रवीना टंडन व अन्य ने बाइबल की अभिव्यक्ति हालेलुया को आपत्तिजनक तौर पर पेश किया। ये शो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रसारित किया गया था। वहीं मामले में अजनाला अमृतसर के डीएसपी सोहन सिंह ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है। रवीना टंडन, फिल्म निर्देशिका फराह खान और हास्य कलाकार भारती सिंह के खिलाफ टीवी शो पर ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत करने पर आईपीसी की धारा 295 के तहत केस दर्ज किया गया है। तीनों स्टार्स पर ईसा मसीह की भाईचारे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। देश के विभिन्न हिस्सों में भारती सिंह, रवीना टंडन और फराह खान के खिलाफ पुतले फूंके गए और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बता दें राखी पिछले कुछ महीने से अपनी सीक्रेट शादी को लेकर चर्चा में है। हालांकि उनके पति रितेश को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वीडियो शेयर कर वे अक्सर बताती रहती हैं कि रितेश से वे बहुत प्यार करती हैं। राखी ने 28 जुलाई को मुंबई के जेड ब्लू मैरियट होटल में शादी की थी। शादी में दोनों के परिवार से सिर्फ 4-5 लोग ही मौजूद थे।